तो इस समय हमारे साथ मौजूद है अरुणाचल प्रदेश के सबसे सीनियर लीडर और इस बार बीजेपी के उम्मीदवार से वो चुनाव 2019 का लड़ने जा रहे हैं सर। तो जबकि आप इस बार बीजेपी से कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं तो आपका मुख्य एजेंडा क्या रखा है आपने? हमारा मुख्य एजेंडा यही है कि विकास। विकास किस लहजे से आप बोल रहे हैं? विकास मैंने सभी सेक्टर्स में? हाँ, सभी सेक्टर्स। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर स्टडीज़ का नहीं है। एक है रोइंग का नाम में है लेकिन वो दाबू कॉन्स्टिट्यूंसी में है। यहाँ अभी तक रोइंग कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी कॉलेज नहीं है या इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर स्टडीज़ कुछ भी नहीं है। एक है प्राइवेट में और एक पॉलिटेक्निक है और इस तरह से तो कुछ नहीं है। और विकास में इसलिए बोल रहा हूँ कि रोइंग अभी रोइंग का कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा हो गया पिछले करीब एक महीना से एक साल से, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। इतना अच्छा सड़कें बनने के बाद, पुल बनने के बाद भी यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। लोगों का आशा आकांक्षाएँ पूरा नहीं हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है और विकास होने से ही हमारे जो बच्चों का, युवाओं का रोज़गार होगा, लोगों का आमदनी बढ़ेगी। इसलिए मैं विकास को सबसे बड़ा मुद्दा समझता हूँ। लेकिन उसके लिए भी एक बहुत बड़ा जरूरी है कि कानून व्यवस्था अच्छा होना बहुत जरूरी है। और मैं जानता हूँ कि पहले बहुत बुरा हाल था। 2006 में जब बाय इलेक्शन में चुनाव जीत के आया तब मैं CRPF को लेके आया। बहुत लोगों का विरोधी का बावजूद भी मैंने उन लोगों को बिठाया। और रिसेंटली जो चीफ मिनिस्टर जी आए थे कल, परसों दो तारीख को, तभी इन्होंने यही कह कर गया है कि जोधपुर से पैरामिलिट्री फोर्सेस का स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था धीरे धीरे ठीक ही हो रहा है और आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। और विकास फिर हम विकास जो है डेवलपमेंट है फिर से पटरी ले लेंगे। तो 2006 से 2014 का मेरा जो मैंने किया है, मैंने जो परिश्रम किया है, मैंने हमारे यहाँ के लोगों के लिए जो आवाज़ अरुणाचल विधानसभा में उठाए हैं और काफ़ी उस समय में विपक्ष में रहते हुए भी, तो द प्रोविजंस अवेलेबल इन द असेंबली आई हैव ब्रॉट यू नो सो मेनी बिग एंड स्मॉल प्रोजेक्ट्स। तो इसलिए मेरे पास काफ़ी अनुभव है और अभी बहुत अच्छा कॉन्टेक्ट है चीफ मिनिस्टर साहब से, डिप्टी CM से और सरकार से बहुत अच्छा रिश्ता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों का जो मेन मुद्दा है वो पूरा हो सकता है। इसलिए मुझे और एक बार मौका देना चाहिए हमारे यहाँ का जनता, और मेरे ख्याल से इन लोगों ने मन बना ही लिया है कि उन दे गए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें छोटा सा इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच।